हेलो, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अनेस्ट। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि किस चीफ मिनिस्टर का कितना टेन्योर था और वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने केसी रेड्डी। तो इनका टेन्योर 25 अक्टूबर 1947 से लेकर 30 मार्च 1952 तक का था, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। और सेकंड नंबर पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने के हनुमानथैया, और इनका टेन्योर था 30 मार्च 1952 से लेकर 19 अगस्त 1956 तक, और इनकी पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। और थर्ड नंबर पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने करिडल मंजप्पा, और इनका टेन्योर 19 अगस्त 1956 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक रहा था, और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फोर्थ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एस निजालिंगप्पा, तो इनका टेन्योर 1 नवंबर 1956 से लेकर 16 मई 1958 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी INC ही थी। और फिफ्थ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने बीडे जट्टी। तो बीडी जट्टी का जो टेन्योर था वो 16 मई 1958 से लेकर 9 मार्च 1962 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। और सिक्स नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने SR कांथी, और इनका टेन्योर 14 मार्च 1962 से लेकर 20 जून 1962 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और उसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एस निजालिंगप्पा, जो कि सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटका के, और इनका टेन्योर 21 जून 1962 से लेकर 28 मई 1968 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी INC ही थी। और सेवन्थ नंबर पे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने वीरेंद्र पाटिल, और इनका टेन्योर 29 मई 1968 से लेकर 18 मार्च 1971 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी INCO। और इसके बाद कर्नाटका में लग गया प्रेसिडेंट रूल, जो कि 19 मार्च 1971 से लेकर 20 मार्च 1972 तक रहा। और उसके बाद एट्थ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने डी देवराज उर्स, तो जिनका टेन्योर 20 मार्च 1972 से लेकर 31 दिसंबर 1977 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके बाद कर्नाटका में दोबारा से प्रेसिडेंट रूल लग गया, जो कि 31 दिसंबर 1977 से लेकर 28 फरवरी 1978 तक चला। तो उसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने डी देवराज उर्स, जो कि सेकंड टाइम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने, और इनका कार्यकाल रहा था 28 फरवरी 1978 से लेकर 7 जनवरी 1980 तक, और इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। और नाइन्थ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने आर गुंडू राव, इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1980 से लेकर 6 जनवरी 1983 तक का था, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी NCI। और टेंथ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने रामाकृष्णा हेगड़े, और इनकी कार्यकाल 10 जनवरी 1983 से लेकर 10 अगस्त 1988 तक रहा, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी। और इलेवंथ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने SR बोम्मई, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता पार्टी, और इनका कार्यकाल 13 अगस्त 1988 से लेकर 21 अप्रैल 1989 तक रहा। तो इसके बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, तो फिर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट वैकेंट रही, जो कि 21 अप्रैल 1989 से लेकर 30 नवंबर 1989 तक रही। और इसके बाद वीरेंद्र पाटिल चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटका के, जो कि सेकेंड टाइम बने, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1989 से लेकर 10 अक्टूबर 1990 तक रहा। और इसके बाद एक बार फिर से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जो कि 10 अक्टूबर 1990 से लेकर 17 अक्टूबर 1990 तक रहा। और ट्वेल्थ नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एस बंगारप्पा, जो कि 17 अक्टूबर 1990 से लेकर 19 नवंबर 1992 तक रहे, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी INC। और 13th नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एम वीरप्पा मोली, और इनका कार्यकाल 19 नवंबर 1992 से लेकर 11 दिसंबर 1994 तक का था,
और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 14 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एच डी देवगौड़ा, जिनका टेन्योर 11 दिसंबर 1994 से लेकर 31 मई 1996 तक था और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल। और 15 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने जे एच पाटिल और इनका टेन्योर 31 मई 1996 से लेकर 7 अक्टूबर 1999 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी जनता दल ही थी। और उसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एस एम कृष्णा, जो कि 16 नंबर पे बने और इनका टेन्योर 11 अक्टूबर 1999 से लेकर 28 मई 2004 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। और 17 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने धर्म सिंह, तो उनका टेन्योर 28 मई 2004 से लेकर 2 फरवरी 2006 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी INC। और 18 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने एच डी कुमारस्वामी और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल सेकुलर और इनका टेन्योर 3 फरवरी 2006 से लेकर 8 अक्टूबर 2007 तक रहा। और इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया, जो कि 9 अक्टूबर 2007 से लेकर 11 नवंबर 2007 तक रहा। और उसके बाद 19 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने BS येडियुरप्पा, जो कि 12 नवंबर 2007 से लेकर 19 नवंबर 2007 तक रहे और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, जो कि 20 नवंबर 2007 से लेकर 27 मई 2008 तक रहा। और उसके बाद कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने BS येडियुरप्पा, जो कि सेकंड टाइम बने और इनका टेन्योर 30 मई 2008 से लेकर 4 अगस्त 2011 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी BJP। और 20 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने DV सदानंदा गौड़ा, और जिनका टेन्योर 5 अगस्त 2011 से लेकर 11 जुलाई 2012 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी BJP ही थी। और 21 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने जगदीश शेट्टर, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी BJP और इनका टेन्योर 12 जुलाई 2012 से लेकर 12 मई 2013 तक रहा। और 22 नंबर पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने सिद्धारमैया, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और इनका कार्यकाल 13 मई 2013 से लेकर 15 मई 2018 तक रहा। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने BS येडियुरप्पा, जो कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटका के, और इनका टेन्योर 17 मई 2018 से लेकर 23 मई 2018 तक रहा और इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी BJP। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने HD कुमारस्वामी, जो कि दूसरी बार कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने और जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जनता दल सेकुलर और इनका कार्यकाल 23 मई 2018 से लेकर 23 जुलाई 2019 तक रहा। और इसके बाद एक बार फिर से BS येडियुरप्पा जी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बन गए, जो कि फोर्थ टाइम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बने, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी BJP ही थी, तो जो कि 26 जुलाई 2019 से लेकर प्रेजेंट तक कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स की डिटेल्ड लिस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि कर्नाटका का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी से होगा और वो कौन होगा, और उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट को सब्सक्राइब कर दें।